हेलो फ्रेंड्स, विलोम शब्द तो आपको कोई भी करा देगा, लेकिन आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न सेलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं जो एग्जामिनर के लिए बहुत ही हैं खास, यानी कि कह सकते हैं उनके फेवरेट क्वेश्चंस हम उठा के लाए हैं आपके लिए इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्यक्त शब्द का सही विलोम है। तो त्यक्त शब्द का जो सही विलोम है, हम आपको पहले ही बता दें कि आपको वीडियो को करनी है पॉज, अपना आंसर सोच लेना है और फिर वीडियो को चलानी है। तो त्यक्त शब्द का जो सही विलोम है वो हो जाएगा गृहीत, जो हमारा पहला ही ऑप्शन है वो एकदम एप्रोप्रिएट है, जबकि त्याज्य शब्द का हो जाता है विलोम ग्राह्य, तुच्छ का हो जाएगा महान और प्रिय का हो जाएगा विलोम अप्रिय। ये आप सबको पता ही है, तुच्छ का महान और प्रिय का अप्रिय, त्याज्य का ग्राह्य और त्यक्त शब्द का सही विलोम गृहित है। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है सेकंड, अवर शब्द का विलोम होगा। तो अवर शब्द का विलोम जो है वो प्रवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रवर। और दूसरा का विलोम होता है पहला, अधम का विलोम होता है उत्तम, लेकिन अपर ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है थर्ड, निर्दयी का विलोम शब्द, अगर आप निर्दय का विलोम शब्द सोच रहे होंगे सहृदय, तो ये बिल्कुल भी नहीं सही है। तो इसका जो एकदम सही है वो हो जाएगा सदय, ध्यान से देखिए सदय ना कि सहय, सदय जो है वो इसका एकदम एप्रोप्रिएट आंसर है। विलोम शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा, यानी कि जो उल्टे शब्दों का हमको बोध कराते हैं, जैसे सुख का विलोम होता है दुख ना कि दरिद्र, जबकि दरिद्र और दुख दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन उसका एकदम हमको विपरीतार्थक शब्द लेना होता है, तो इसीलिए निर्दय का हो जाएगा सदय। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ, स्थावर का विलोम, ये हमने बहुत बार सुना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। तो स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है फिफ्थ, अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी जोड़ियाँ बना के दी हुई हैं, हमें देखना है कौन सा सही नहीं है। तो प्रसारण का हो जाता है संकुचन, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओजस्वी का होता है निस्तेज, बिल्कुल सही है। देहाती का शहरी भी सही है, लेकिन भेज्ञ का सभेज्ञ गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसमें इस हिसाब से सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं जो है वो है भेज्ञ, क्योंकि भेज्ञ का अर्थात होता है सब कुछ ज्ञात होने वाला, और इसका सभिज्ञ का अर्थात भी होता है सब कुछ ज्ञात होने वाला। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनभिज्ञ, ठीक है। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है सिक्स्थ, अनुरक्त का विलोम शब्द है। तो अनुरक्त का जो विलोम शब्द है वो आरक्त नहीं होगा। तो अनुरक्त का जो विलोम शब्द है उसका विलोम जो है वो हो जाएगा विरक्त, क्या हो जाएगा विरक्त, आरक्त नहीं होगा। और आसक्त इसका विलोम होता है अनासक्त, अनासक्त, ठीक है। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है सेवेंथ, पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द है। तो पाश्चात्य का जो विपरीतार्थक शब्द है वो हो जाएगा पौर्वात्य, इसके आंसर नहीं दिए हैं यहाँ पे, हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं लिख के, पौर्वात्य कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पौर्वात्य। यहाँ पे चार ऑप्शंस जो दिए गए थे वो थे पौर्वात्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य और पुरुवात्य। तो बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, अलग अलग
शब्दों में, तो जो इसमें से बिल्कुल सही था वो मैंने यहाँ लिख दिया है, पर्वात्य। इसी प्रकार से लिखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, प प पे औ की मात्रा, वा और वा पे है उड़ंतुआ र, आधा त य को जुड़ा है और उसके ऊपर यहाँ पे उड़ंतुआ र नहीं आएगा, तो ऐसे लिखते हैं पौर्वात्य। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है 8th। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो लाघव शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विस्तार। लाघव यानी कि छोटा होता है, विस्तार यानी कि बहुत बड़ा, विस्तृत रूप में, यानी कि संक्षेप का उल्टा हो जाएगा विस्तृत। विस्तृत लंबा का हो जाएगा छोटा, अल्पकालीन का उल्टा होता है दीर्घकालीन। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है 9th। ऋजुता का सही विलोम है, तो ऋजुता का जो सही विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा वक्रता, और टेढ़ापन का विलोम होता है सीधापन। बांकापन तिरछापन नाम की कोई चीज नहीं होती है, यानी कि उसका विलोम नहीं होता है। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उन्मूलन का विलोम क्या है, तो उन्मूलन का विलोम जो है वो हो जाएगा, उन्मूलन मतलब होता है कोई चीज़ को उखाड़ फेंकना, तो उसका उल्टा हो जाएगा किसी चीज़ को लगाना यानी कि रोपण करना, तो इसका सी आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। वहीं हम देख लेते हैं अगले कुछ, उत्थान, उत्थान का हो जाएगा पतन, उत्कर्ष का हो जाएगा, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, अपकर्ष, और अवनति का हो जाएगा उन्नति। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, रोपण का होता है उन्मूलन, और अवनति का होता है उन्नति। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष का सही विलोम लिखिए, तो अभी हमने देखा उत्कर्ष का जो सही विलोम था वो था अपकर्ष, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में ये बी वाला बिल्कुल भी सही है। और पतन का विलोम होता है उत्थान, और पतन का विलोम क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, समिष्टि का विपरीतार्थक शब्द, तो भाई समिष्टि का जो विपरीतार्थक शब्द है वो हो जाएगा व्यष्टि, यानी कि ये जो आंसर है वो बिल्कुल भी करेक्ट है, व्यष्टि। ठीक है, जबकि विशिष्ट का हो जाएगा सामान्य, अशिष्ट, ऐसे नाम की कोई चीज नहीं होती है, अपुष्टि का हो जाएगा पुष्टि। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।